अद्भुत प्रभु, अब तो आपकी धुन पर पहाड़ियां भी पिघलने लगी। बावियल होकर पिघलने लगी है। प्रभु मुरली बजाने में खो गए हैं और उनके साथ ही खो गए हैं सभी सुन्ने मनुष्यों, पशु पक्षियों और देवताओं के ही नहीं, जड़ चेतन किसी के लिए को रोक पाना संभव नहीं होगा। कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। मेरी बस एक इच्छा है, ऐसे चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है, तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तू हमारे पास से वहां कैसे चले गए? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा, सदैव यही रहूंगा मैं तुम सबके पास, तुम सबके मन में। भले ही कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। काना, तू कहाँ भटक गया हो? तो नहीं सखा, मैं तो भटके हुए को मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलवाया हमें। कान्हा, तो इतने दिन बाद आए हो है, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया सरा के घर से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझे। किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए,
अभी कुछ दिन पहले ही तो उस असुर और देवताओं में कितने विसर युद्ध हुआ था। हाँ हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा काना को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो काना हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय। वो काना हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय। तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो, ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे। चोर प्रहरी खेले। चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर को कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह काना, क्या खेल बतायो है, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होतो है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ। मुझे मूर्ख समझते हो तुम, 100-100 छलियाएं देखे हैं मैंने। हाँ। पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ? सच? और नहीं तो क्या, मैं हूँ इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो, इधर देखो उज्जवल। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हूँ काना? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो काना, उज्जवल यही कहीं होगा, आ जाएगो। क्या हो गया काना? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला, सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना ऐसे ना, जे सिक्का मैं उछालूंगो और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी, और अन्य सब
चोर स्वीकार है। यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। आंखें बंद कर कारा। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्रीदामा,
अब केवल दो ही बालक शेष बचे हैं, दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। ये तो छलिया है, भाया भी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। काना, 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 ताऊ। जानोगे तो कौन पहचानेगा? काना, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके बहकावे में मत आना काना, ये चलिया। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं हैं दश। इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ छुड़ा लो अपने सखाओं को। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें करने दिया ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए। अच्छा। नाव आओ, जाके सखाओ को बचाओ। इस दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो राणा सर। किसे सिखाया सा स्वांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये। ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है, माया के महान आचार्य
मायासुर। तो तुम मायासुर के पुत्र हो, पर जिसके सामने ना माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है, ये मायाधर विष्णु है। ये अच्छा तो होते रहे, मैं तो इनकी हत्या करने आया हूँ और हत्या करके ही जाऊंगा। जाओ आप सखाओं को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर काना, अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है, इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो कहीं वो नंदभवन तो ना पहुंच गाओ। हमें शीघ्र ही गांव जाना पड़ेगा और सबको सावधान करना पड़ेगा। चल तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो तो मुझसे भी बच जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? बालक, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, अभी तो कह रहा हूँ शीघ्र दिखाओ ना, मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। उस समय वैध क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आयो वो ही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। बोला बाला तो दिखता हूँ मैं, मैया भी यही कहती है। उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर। बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक। Yeah.
अच्छा, पर प्रक्षालन करना चाहती थे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो, तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो मम्मा सर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो और अब फूल भी चढ़ा दिए। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। काना, ये चट्टान तो मुझसे हिली ना रही। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सज्जन बच के रहना। छलिया आया होए वृंदावन में। क्या हुआ? अरे छलिया क्यों है वृंदावन में? मैया भी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मैया भी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ कुछ भी कर सके है वो। बहुत भयानक। अरे भानु ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ। क्या होगा? छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। अरे रानी भाभी, रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का माया भी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे जय कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। यशोदा जी, जे मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जी जी, बालक वन में अकेले हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण। Huh?
करोगे व्यामासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर। जो प्रभु के सामने माया करने आया था वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हो वामासुर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास, अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण में निकलना होगा। और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकता है। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकता है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है वामासुर, समय लाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लूट का कोई लाभ नहीं होगा रामासुर, स्मरण करो तुम कौन हो। मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ, और तुम्हारा हूँ मैं कौन? बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना कायरता होती है। Oh!
पता था मुझे अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने, पिता की छवि ही पिता के समान भी अनन्य होती है। रमासुर, रमासुर। ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? मेरे बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र विकल्प होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है, यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये। लल्ला, मैं तेरी मैया हूं, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था, समझाया था, पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता करी दी, करी दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया हुआ महसूस। ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे बाबा पर। क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक माँ का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है। रमासुर, इससे पहले इस असुर के कारण निर्दोष प्राणियों का कोई अहित हो, मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। दाऊ, अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। अद्भुत बल दाऊ, अद्भुत। अपने बल का उचित प्रयोग करके आपने प्राणियों को हानि होने से बचा लिया, और यह भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे, आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आपके चरणों का यह चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। बलराम का चरण चिन्ह। ले
मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक बार मुझे छोड़ कर देखो, फिर पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। पहले ये तो देख लो कि मैं कौन हूँ। तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेद करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए, इसलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था, अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पे वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी, इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते है। तुम सत्य कह रहे थे बलराम, गाना सच्चे में भगवान ही है,
तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे होंगे? बलराम तुम बलवान हो और कान्हा भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा है, ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में। अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी, निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहाँ से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ। जानकी, जानकी, क्या हो गया इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी, तो जानकी जमुना जी की नदी से जल लेने गई और उसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी उसकी जीर्णदशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर ऊपर से सब ठीक है पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, लग तो है विष फैल गया है इसका पूरे तन में। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ विदेह जी को बुलाए गए हैं उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया जे गिर पड़ी, चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहाँ के जल में ही हो। वैद्य जी, आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना, जे कोपिया क्या कह रही है उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? वैद्य जी, वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है, जे सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काट तो है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं, मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने एक दिन। अब बस कर उज्जवल, ये बड़ी बड़ी हाँकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटो है फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना, कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है, या वैसे किसी मां विषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो लेकिन ये अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालियानाग, कालियानाग, संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालियानाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालियानाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है। हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहां जाने से मना किया है ना बड़ों ने।
उज्जवल सही कह रहे हो, इस समय जानकी के स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जलाने गई थी जी, ना मैं उसे जाने देती ना जैसा वो, तो वैद्य जी आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये अंतिम जड़ी बूटी है, अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु, ना तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। जे सारी मेरे ही कारण मनाई थी, उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। कान्हा तूने हमें वत्सासुर से बचाया था ना, और वकासुर से भी तो, और छलिया से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धनवंतरी, मैं आ गया हूं प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया आपको कोई पुकार रहा है? चिंता मत करो मैया, अब धनवंतरी जी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। धनवंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए 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 वैद्य जी, जेरे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहाँ आ चुका हूँ, और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूँ। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो।
और ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना। हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो। स्वस्थ तो हो जाएगी ना धन्वंतरी जी। धन्वंतरी, प्रभु अब मैं क्या करूं, आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जे क्या करो कान्हा, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैया कहती है ना, सभी वैद धन्वंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ, मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। जसोदा भाभी, जसोदा जी, जानकी को चेतना आ गई। जानकी, 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी, मैं आपके लिए जल ना ला पाई, बस बहुत भूख लगी है। अभी कुछ लाती हूँ। जानकी माखन खाओगी? आजा तू ही खिला दे लल्ला। सब मेरे लल्ला को माखन चोर कहती हो ना, आज देखो अपना ही माखन जानकी को खिला रहे हो। थोड़ा और विश्राम कर लो। सदैव तुम हम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जानकी की जी दशा तब हुई जब जय यशोदा काकी की सेवा कर रही थी, और अब देखो स्वयं भगवान ही इसकी सेवा कर रहे हैं। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भी यशोदा मैया की पूजा करेगा, अर्थात अपनी माता पिता की सेवा करेगा, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेगा, ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखेंगे। कभी धन्वंतरी के रूप में तो कभी स्वयं कान्हा के रूप में। भक्त और भगवान का देखो कैसा ये अनुराग, स्वयं करे सेवा प्रभु, अद्भुत गोपी का भाग्य। प्रभु इन सब पृथ्वी वासियों से कितना घुल मिल गए, ना तो ये प्रभु को भगवान मानते हैं और ना ही प्रभु अपने आप को इनसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने आचरण से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सभी में हैं और सभी इनका ही अंश है।
प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाता है, और कभी-कभी तो इसे प्रभु बोल के जाता है। बाबा संभालो।